आप उतने में चले तो हाँ वो अच्छा लगेगा। उसके बाद सर कौन है जिसने ये हलवा बनाने की उसको पानी में गला के जानते हो वो की तो फैमिली है ना, मैं बचपन से अनाथ हूँ,
मैं तो आप लोगों को अपनी बहन की मानता हूँ। अनीता आपको रोना था? नहीं, वो बाद में। अच्छा नहीं 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 मैम, यहाँ अभी नहीं रहेंगे, वो मेरी शादी हो जाएगी, मेरी नौकरी का सवाल है। तो हम तो हमें क्या करना, लेकिन हमें क्या करना होगा? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। तो बताओ हमें क्या करना होगा? रानी जी, वो सेठ ना चेक करने को आए हो कि मेरी फैमिली है क्या ना, बस आप सब लोगों को नाटक करना पड़ेगा कि आप सब ना, कहने का मतलब है कि मेरे सगे भैया भाभी हो। नहीं नहीं मखान, हम ऐसा कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे। पिछली बार तुमने दोस्त टीका की मदद के लिए हम ऐसे ही नाटक किए थे, तो टीका हमरा घर वो अपराध औरत के नाम कर दिया था। इस बार हम खुद ब्रिक्स नहीं लेंगे। आपका मतलब है रिस्क? हंसी पकड़े हैं मलिक खान। वैसे अंगूरी जी बात तो बिल्कुल ठीक है नाना। भाभी जी, इस बार ऐसा कुछ ना हो, वो सेठ ना थोड़ी देर के लिए आए हो तो फिर आके चले जाए। भाभी जी, मैं तुम दोनों भाजन के हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ, मोके थोड़ी सी मदद कर दो, मोके जिंदगी बच जाएगी। फिर मैं ना आवारा की तरह गलियों में ना घूमूंगा, मैं बड़ो आदमी बन जाऊंगा, मोके शादी आ जाएगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारी हैप्पी फैमिली बनने के लिए। हाँ हम भी तैयार हैं। बस भाभी जी, ये जो विभूति भैया है ना और तिवारी भैया, इनको समझा देना कि सेठ जी के सामने ना आपस में झगड़ा ना करें। अरे नहीं नहीं मरखान, विभू और तिवारी जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। वो जो लड़ाई करते हैं ना सीरियसली नहीं करते, वो मजाक करते हैं। अरे चड्डी बडीज है वो, देयर बेस्ट फ्रेंड्स। अक्षय बैठने से क्या बात है मलखान, तुम यहाँ? भाभी जी, बात ये है रही कि मैं दोनों भाभी से ना विनती करने आया था। अंगूरी, कैसा विनती? भाभी जी, अब वो की दुबई में नौकरी लग गई। अनीता, नौकरी? और तुम्हें वो भी दुबई में? ज्यादा लंबी लंबी मत फेंको ना भाभी जी, मैं छोड़ ना रहा हूँ, मैं लंबी लंबी फेंक भी ना रहा हूँ, मैं टीका की कसम खा रहा हूँ। अंगूरी, ठीक है हम मान लेते हैं तुम दुबई जा रहे हो, तो अपना एयरपोर्ट दिखाओ। भाभी जी, मेरे एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट तो कानपुर को है। अनीता, अरे वो पासपोर्ट के लिए। अंगूरी, सही पकड़े हैं, पासपोर्ट दिखाओ। भाभी जी, मौका पासपोर्ट ना वो मौके सेठ जी बनवा रहे। अनीता, किस जॉब के लिए जा रहे हो? उसने कोई लेटर वेटर दिया है तुम्हें? हाँ भाभी जी, दियो है। जी रहा सेठ फकीर चंद? हाँ भाभी जी, सेठ जी का यही नाम है। वो तुम्हें घोड़ों के अस्पताल में नौकरी दे रहे, घोड़ों की मालिश करने के लिए? हाँ हाँ, ऐसा ही बोल रहे थे वो। अनीता, अंगूरी जी लड़का सच कह रहा है, इसकी नौकरी लग गई। अंगूरी, अरे यार तो बहुत खुशी का बात है। लेकिन भाभी जी, एक अड़चन आ रही। अनीता, कैसी अड़चन? दरअसल बात ये आ रही, वो सेठ जी को ना एक असूल है, वह उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखते हैं जिन्हें की भरी पूरी हैप्पी फैमिली होती है। अंगूरी, अरे यार ये कैसा असूल? हाँ भाभी जी, जब वह सेठ ने मेरे से, हाँ भाभी जी, जब वह सेठ ने मुझसे बोली तो मैंने ना झूठ बोल दियो कि मो की भरी पूरी हैप्पी फैमिली है। लेकिन आप लोग तो जानते हो ना, मो की फैमिली तो है ना, मैं बचपन से अनाथ हूँ, मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। अनीता, अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ हमें करना क्या होगा? भाभी जी, वो सेठ ना चेक करने आए वो कि मेरी भरी पूरी हैप्पी फैमिली है कि ना,
बस आप लोगों को ना नाटक करना पड़ेगा कि आप ना मेरे सगे भैया भाभी हो। नहीं नहीं, हम ऐसे कोई नाटक नहीं करेंगे। पिछली बार तुमने दोस्ती का की लिया हमने। लाइन गई तुम्हारी, लाइन तुमने बोली। अभी वो लोग सिर्फ शांत बैठे हैं, तुम्हें टेंशन है? बोली आशिक, ये लोग शांत बैठे हैं, क्या होगा? कोई कुछ बोलने रहा है तो क्यों दे? नहीं नहीं, पिछली बार तुमने दोस्ती का की शादी में हमने सब नाटक किए थे, मदद किए थे। बाद में टीका नाम रखकर वो फ्रॉड आदत के नाम कर दिया था। हम इस बार कोई ब्रिक्स नहीं लेंगे। अनीता, आपका मतलब रिस्क? अंगूरी सही पकड़े हैं अनीता। वैसे मलखान, अंगूरी जी सही कह रही हैं। नाना भाभी जी, इस बार ना ऐसा कुछ ना होगा। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सॉरी, कबूतर ने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, ऐसा ना होगा। वो तो थोड़ी देर कोई आएगा, फिर चलो जाएगा। नाना भाभी जी, इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। वो थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर चला। सॉरी ना ना भाभी जी, इस बार ऐसा ना बिल्कुल ना होगा। सेठ ना थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर चले जाएगा। मैं तुम दोनों भाभी के ना हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। मैं गली में घूमता हूँ ना, हमारा बिल्कुल ना घूमूंगा। मौकी नौकरी लग जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मौकी शादी है जाएगी। पुरी मोकी शादी आ जाएगी। ठीक है। सवाल अगर तुम्हारे कह देता है तो हम तैयार है तुम्हारे यहाँ की फैमिली बनने के लिए। अंगूरी, हाँ हम भी तैयार हैं। अब भाभी जी, अब बस एक काम कर दीजो। अब विभूति भैया और तिवारी भैया को समझा दियो कि वो सेठ जी के सामने ना आपस में झगड़ा ना करें। अभी ये थोड़ा सा रोनो निकाल दो इसमें से। अभी मान नहीं पड़े कोई एक्शन। ठीक है भाभी जी, अब बस एक काम और कर दीजो। जो विभूति भैया है ना और तिवारी भैया, उन दोनों को समझा देना कि वो आपस में सेठ जी के सामने झगड़ा ना करें। अरे नहीं, विभूति इतनी अच्छी सेटिंग है। वो दोनों जब भी लड़ते हैं वो मजाक में लड़ते हैं, सीरियसली नहीं लड़ते। वो चड़ी बड़ीज हैं, तो टेंशन मत लो। भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जो एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊंगा। चल तो कुछ नहीं रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हैं दूसरे का। वो कहा है कि हमारे सेट के ऊपर बोल दूंगा। देख रहे सारा का फंस जाए, मामलो रहा है तो फैल जाए। हमारे सेट पे बहुत तगड़ो नचैया आवे वालों है, तो नचैया की खुशी के अंदर है ना बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो हम थोड़ा भोजपुरी सॉन्ग पे लहंगा मतलब उठा तो ना रहे, लेकिन हाँ डांस कर रहे हैं। तो बात ये है रही कि जैसे लोगों के मुँह से अचानक से कुछ निकल जाता है, जुबान फिसल जाती है, तो जैसे मैं म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मुँह को डांस निकल जाता है। जी तो आपको अच्छी तरह से बताया कि कौन आ रहा है लहंगा उठा ले रिमोट से। और आप देख रहे हैं कि लगातार ऐड चल रही है सैटरडे स्पेशल की, तो इस बार आ रहे हैं सैटरडे स्पेशल में रवि किशन। हाँ, भोजपुरी गाने पे तो काफ़ी बार हमारी शादी पार्टीज़ में बजते हैं और हम काफ़ी डांस करते हैं भोजपुरी गाने पे, काफ़ी अच्छे गाने हैं उनके। हाँ वो बजते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमारा जो चाय का जो हमारा ठिया है वही हमारे गांव के ठिए से कम ना है। हाँ, तो वहीं पर हम सारा इन्जॉयमेंट कर लेते हैं, टेप वेप रेडियो वेडियो सब पे डांस कर लेते हैं हम तो। हाँ, चला चलू के दूसरों बजोगो कोई, लेकिन आपको मजो आएगो देखना। हाँ, जे कौन आगो है, आ जाओ अंदर को, आ जाओ तुम भी।
तो जी बीच में रुकावट के लिए खेद आ गए। फिलहाल तो क्या गली की जो लौंडियां है ना, हाँ, उन्हीं के साथ में हम लहंगा उठा ले, रिमोट से कर ले काम कर लेते हैं, मतलब उसी से डांस कर लेते हैं भी तुम तो। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहेंगे और ऐसे ही हम लहंगा उठा के डांस करते रहेंगे। नौकरी के बारे में बड़ा जबरदस्त मामला चल रहा है और जाके बारे में अभी सस्पेंस खोल लो ठीक ना रहेगा, लेकिन आप देखो आपको बहुत मजा आने वाला है जय एपिसोड में। जय एपिसोड में रायता फैल गया है और वह रायते को समेटते समेटते कॉमेडी निकलेगी, बस वह देखो आप मजा आ जाएगा। दोस्ती पर कभी विश्वास मत करियो, दोस्ती गद्दारी होती, गद्दारी हाँ, जैसे गद्दार जो होता है देश को कहते हैं कि देशद्रोह करता है, गद्दारी करता है ना, ऐसे दोस्त भी एक ना एक दिन जरूर दोस्त के साथ में गद्दारी करता है। ना जे जे को मैं घुइया के खेत में भेज रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, दोस्त गद्दार है सारो, गद्दार ना हो जे जज्बात ना समझ रहा है, मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ, यू प्रेजेंट टेंस में पकड़ो है, वाको पकड़ के बैठ गो। अरे मुझे पता है कि क्या कर रहे जा रहे हो, ये दो चार दिन लौंडे देखेगा वहां पर, वो बोर होने के बाद में वापस कानपुर आ जाएगा। ये तो काफी इन्फॉर्मेशन लेकर बैठो कैमरे के पीछे से, सब कुछ बोले जा रहे हो, सब कुछ पता हो तो क्या हमारी के फिल्म लॉन्च कर रहे होगा? मैं पूछ रहा हूँ हमसे भैया है, सारो हमसे पूछ लोगे जब तो सब कुछ पता हो। अच्छा जयराम जी की तो दोस्तों देखते रहिए, भाभी जी घर पे है सबके साथ हमारे साथ।